वर्णमाला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, एवं इसका व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में मूल रूप से 52 वर्णमाला होते हैं, जिसमें 11 स्वर, किंतु कतिपय हिंदी वर्ण व्याकरणविद अन अह दोनों को मिलाकर 13 स्वर होते मानते हैं, जो कि उचित नहीं है। अन और अह को अयोगवाह माना जाता है। इसके अतिरिक्त 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर की बात करें तो अ आ ई उ रे ई ए ऐ औ अन और अ, यानी कि कुल 11 स्वर और दो अन्य स्वर, मतलब कि अन और अ मिलाकर टोटल 13 होते हैं, लेकिन जिसमें मूल स्वर की बात करें तो 11 होते हैं। व्यंजन की बात करें तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतःअस्त और उसमें है, यानी कि क वर्ग में क ख ग घ अङ, च छ ज झ ञ, त वर्ग में त थ द ध न, ट वर्ग में ट ठ ड ण और अण और ढ, और प वर्ग में प फ ब भ म, अंतःअस्त में य र ल व, और उसमें में स ष, तलाबी स, मूर्धनि स और दंती स और ह आता है, यानी कि कुल मिलाकर 33+2 होता है, यानी कि कुल 35 होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ, त्र, ज्ञ और स्र कुल 4 होते हैं। जैसे छ की बात करें तो क और श, क और मूर्धनि ष मिलाकर 6 होता है, त और र मिलाकर 3 होता है, ज और ञ मिलाकर 11 होता है, इधर श और र मिलाकर 6 होता है। स्वर एक परिचय है। स्वर का परिचय की बात करें, स्वर हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। परंपरागत रूप से स्वर 13 प्रकार के होते हैं, जबकि उच्चारण की दृष्टि से इनकी संख्या 11 होती है। ये इस प्रकार है, अ आ ई ई ए ऐ औ अं ओ औ, और अन अ अयोगवाह स्वर में आते हैं, और तथा जो वर्ग स्वर में आते हैं वो अ आ ई छोटी ई बड़ी ई छोटी ऊ बड़ी ऊ री ए ऐ ओ औ है। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के हिसाब से उच्चारण काल के आधार पर स्वर्ग इसके अंतर्गत स्वर उच्चारण में कम समय लेने वाले हर्ष स्वर यानी कि अ ई उ री तथा अधिक समय लेने वाले को दीर्घ स्वर यानी कि आ बड़ी ई बड़ी ऊ ए ऐ औ ओ में विभाजित किया जाता है। इसके साथ ही उच्चारण में अत्यधिक समय लेने वाले प्लुत स्वर भी होता है। इनका प्रयोग प्रायः नाट्य संवाद आदि में होता है। जीवा आधारित स्वर ये जीभ के अग्र, मध्य और पक्ष भाग से निष्पादन पर उच्चारित किए जाते हैं। जैसे कि अग्र भाग से जो उच्चारण, जैसे ई बड़ी ई छोट ए ए, मध्य भाग से अ उच्चारण होता है, और पक्ष भाग से आ उ उ ओ औ औ होता है। ओठों के निष्पादन पर आधारित स्वर की बात करें, अवृत्त मुख स्वर है। इन स्वरों के उच्चारण में ओठों का स्वरूप गोलाकार नहीं होता है, जैसे कि अ और औ। वृत्त मुख स्वर की बात करें तो इस प्रकार के स्वरों का उच्चारण में ओठ वृत्त मुखी या गोलाकार हो जाता है, जैसे कि उ उ ओ औ की बात करें। नाक और मुंह से निह सारित श्वास पर आधारित स्वर की बात करें तो मौखिक स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में श्वास मुंह के द्वारा निःसारित होती है, जैसे कि अ आ ई। अनुनासिक स्वर की बात करें तो इन स्वरों के उच्चारण में श्वास नाक और मुंह के द्वारा निःसारित होती है, जैसे कि अन आ ई। व्यंजन की परिचय की बात करें तो व्यंजन वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 33 है, जबकि ण और ढ को जोड़ने पर व्यंजनों की संख्या 35 मानी जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण की बात करें तो स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों को उचित होते समय श्वास मुंह के विभिन्न भागों से स्पर्श करते हुए निकलती है। इसका विवरण निम्न प्रकार है। जैसे कि कंठ से निकलने वाली जो है वो है क ख ग घ ण, मूर्धन से निकलने वाली है ट ठ ड ढ ण,
तालु से निकलने वाले शब्द होते हैं च छ ज झ ञ। दंत मतलब दांत से निकलने वाले शब्द हैं त थ द ध न। और ओठ ओठ से निकलने वाले हैं प फ ब भ म। अंत अस्त व्यंजन की बात करें तो इसका इस प्रकार से उच्चारण स्थान है, जैसे कि व्यंजन य की बात करें तो ये तालु से निकलता है, र की बात करें तो ये मूर्धा मसूड़े और थोड़े से मसूड़े के थोड़े से ऊपर से निकलता है र। और ल की बात करें तो दांत और मसूड़े मूल मसूड़े से निकलता है ल। उसमें व्यंजन की बात करें, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास मुंह से रगड़कर उष्मा उत्पन्न करते, जैसे कि स तालु स्थल से निकलता है और मूर्धनि स की बात करें तो ये मूर्धा से निकलता है, और दंती स की बात करें तो ये दांत मूल और मसूड़े से निकलता है। व्यंजन के अन्य प्रकार के उच्चारण संबंधी प्रावधान उत्क्षिपित, यानी कि इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ झटके के साथ ऊपर उठने के पश्चात नीचे आती है, जैसे कि ढ ड। और व्यंजन ध्वनियों से संबंधित शारीरिक क्रियाकलाप घोषत्व पर आधारित ध्वनि है। इस प्रकार के स्वर में तंत्र में ध्वनि का कंपन होता है अघोष। इन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, जैसे कि क ख च छ ट ठ त थ प फ। सघोष यानी कि इन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है, जैसे कि क घ ण झ ज ञ ट ढ ण त द ध न ब भ म। प्राण तत्व पर आधारित ध्वनि की बात करें तो इन ध्वनि का उच्चारण श्वास से संबंधित होता है। अल्प प्राण की बात करें तो इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निश्चित होता है, जैसे कि क ग ण च ञ ज ट ड ण त द न प ब म। महाप्राण की बात करें तो इन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक श्वास निस्सरित होता है, जैसे कि ख घ झ ठ ड थ प ध भ। ध्वनियों के मेल से जिन सार्थक वर्ण समुदाय का प्रस्फुटन बनते होता है शब्द कहलाते हैं। ये शब्द स्वयं अथवा कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना आशय अभिव्यक्त करते हैं। इनका दो रूप हमें प्राप्त होते हैं। पहला, इनका अपना स्वतंत्र रूप है, उन्हें हम जिन्हें प्राकृतिक या प्रातिपदिक कहते हैं। और दूसरा, यह एक ऐसे शब्द जो कारक वचन लिंग पुरुष काल बताने वाले अंश को आगे पीछे लगाकर जिनसे शब्द रचना की जाती है और जिसे पद के नाम से जाना जाते हैं। ध्यान हो कि शब्दों की रचना ध्वनि एवं अर्थ के मेल से होती है। कहने का आशय है कि एक या अनेक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका अपना भाव होता है, वहीं निरर्थक शब्द बिना किसी आशय के होते हैं, जैसे कि पानी एक सार्थक शब्द है और ओनी एक निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार गिलास उलास छाता उता शब्द दृष्ट वे है जिसमें एक अर्थ सार्थक और दूसरा निरर्थक है। व्यक्ति के दृष्टि से शब्दों के चार रूप मिलते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं तत्सम तद्भव देशद और विषेदर। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।